नमस्कार। भारत के सबसे सुंदर व दुर्गम रेल मार्ग के रूप में जाना जाता है जम्मू से कटरा रेल मार्ग को। प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से परिपूर्ण यह सफर हमारे जीवन की उन चंद सुनहरी यादों में सदैव के लिए संरक्षित हो जाता है। माता वैष्णो के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तगणों के द्वारा प्रायः इसी रेल मार्ग के सफर का आनंद लिया जाता है। इस रेल सफर की सुंदरता देखते ही बनती है। चारों ओर आपको दूर दूर तक पहाड़, जंगल व झरने दिखाई देते हैं तथा साथ ही साथ आपको विशाल नदियां भी दिखाई देती हैं। जम्मू से कटरा रेल मार्ग के सफर के दौरान आपको बहुत सी विशाल टनलें भी दिखाई देती हैं जो आपके रोमांच के अनुभव को और भी कई गुना अधिक बढ़ा देती हैं। इस सफर के दौरान इतनी विशाल टनलें दिखाई देती हैं कि जितनी बड़ी टनलें आपने कभी जीवन में कहीं और नहीं देखी होंगी। एक टनल तो आपको लगभग 3 किलोमीटर लंबी है जो इसी मार्ग पर बनाई गई है। इसे भी आप इस सफर के दौरान देख पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक छोटे से मगर सुंदर रेल यात्रा के सफर का। और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देव दर्शन पर। कहते हैं बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें मैया के दर्शनों का बुलावा आता है तथा जिन्हें मैया के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमने अपनी यह यात्रा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मालवा एक्सप्रेस के द्वारा करी थी। मालवा एक्सप्रेस से हमने भोपाल से संध्या के समय लगभग 5:30 बजे के आसपास प्रस्थान किया तथा अगले दिन हम यहाँ से कटरा पहुँचते हैं। कटरा पहुंचने का समय लगभग 5:30 बजे होता है। भोपाल से प्रस्थान करने के बाद लगभग 20 से 21 घंटे का सफर तय करने के पश्चात मालवा एक्सप्रेस लगभग 2:30 बजे जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। भारत के अन्य क्षेत्रों से चलने वाली सर्वाधिक ट्रेनें जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक ही जाती हैं तथा यहाँ पर बहुत से अन्य भक्तगण जो वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं वे सभी जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर ही उतर जाते हैं तथा यहाँ से अन्य ट्रेनों के द्वारा कटरा श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक का सफर तय करते हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए हमें ट्रेन के द्वारा लगभग 2.5 घंटे का समय लगता है। ट्रेन की खिड़की तथा दरवाजे से दिखाई देने वाले यह दुर्लभ दृश्य हमारे जीवन की स्मृति में सदैव के लिए संरक्षित हो जाते हैं तथा एक हमारे मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ देते हैं। जम्मू से कटरा रेल मार्ग से यात्रा करते समय हमें रास्ते में बहुत से ऊंचे पुल दिखाई देते हैं जिन पर से हमारी ट्रेन गुजरती है। बड़े बड़े पहाड़ों को चीरती हुई जब हमारी ट्रेन इन विशाल टनलों के मध्य से होकर निकलती है तो यह हमारे रोमांच के अनुभव को और भी कई गुना अधिक बढ़ा देती है जिसे शायद शब्दों में बता पाना संभव नहीं हो सकता। खिड़की से दिखाई देने वाले चारों ओर मनमोहक दृश्य, हरे भरे जंगल, नदियां व पहाड़ इस यात्रा को बहुत अधिक आकर्षक और सुंदर बना देते हैं। दूर दूर तक फैली हुई हरियाली तथा मनमोहक वातावरण इस यात्रा के अनुभव को और भी कई गुना बढ़ा देते हैं। यहाँ के क्षेत्रवासियों द्वारा कहा जाता है कि माँ तू बुलांदी, जिसका अर्थ होता है कि मैया तुम ही स्वयं बुलाती हो। माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए कहा जाता है कि जब तक मैया का बुलावा नहीं होता है तब तक कोई भी भक्त मैया के दर्शनों के लिए नहीं पहुंच सकता, चाहे वो कितने भी प्रयास कर ले। और जब मैया का बुलावा होता है तो भक्तों के सामने आने वाली सभी बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाती हैं और भक्त मैया के दर्शनों के लिए आसानी से पहुंच जाते हैं।
इस बात का अनुभव यहाँ आने वाले भक्तों के द्वारा बात करने पर पता चलता है। यहाँ तक कि मेरे द्वारा स्वयं भी कई बार प्रयास किए गए, लेकिन मैया के दर्शनों तक नहीं जा सका। और जब मैया का बुलावा हुआ तो कैसे यह यात्रा पूर्ण हो गई, मुझे खुद भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। अचानक से दिन के समय कब यह यात्रा मैया के दर्शनों के लिए प्रारंभ हुई और कब मैया के इतने अच्छे से दर्शन हो गए, इसका मुझे तनिक भी एहसास नहीं हुआ कि इतने अच्छे से यह यात्रा पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जम्मू तवी से कटरा रेल मार्ग की यात्रा के दौरान हमारी ट्रेन 3 स्टेशनों पर रामनगर, उधमपुर व चक्रकवाल रेलवे स्टेशन पर रुकती है। इसके पश्चात हम श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर मालवा एक्सप्रेस का अंतिम स्टॉप होता है। भविष्य में इसके आगे भी रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है, तो आगे आप इसी रेलवे लाइन से बनिहाल भी जा सकेंगे। पूर्व के समय में केवल उधमपुर तक ही रेलवे लाइन हुआ करती थी। उधमपुर के पश्चात कटरा तक जाने के लिए भक्तों को सड़क मार्ग का ही प्रयोग करना पड़ता था, लेकिन भारत सरकार के प्रयास अथक प्रयास करने के पश्चात इस रेल मार्ग का निर्माण हुआ तथा अब माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले भक्त सीधे श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर आसानी से पहुंच सकते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करने के पश्चात आपके मोबाइल के नेटवर्क वगैरह बंद हो जाते हैं तथा आपके मोबाइल की इनकमिंग व आउटगोइंग की सुविधा बंद हो जाती है, तो आप इस सफर का आनंद बहुत अच्छे से ले सकते हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से इस सफर का आनंद लेते हुए कब हम कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, इसका हमें तनिक भी एहसास नहीं होता है। कटरा रेलवे स्टेशन को किसी विदेशी रेलवे स्टेशन की तरह बनाया गया है तथा कटरा रेलवे स्टेशन की अद्भुत सुंदरता देखते ही बनती है। कटरा रेलवे स्टेशन के चारों ओर दिखाई देने वाले पहाड़ तथा पहाड़ों पर उड़ते हुए बादल इस स्थान की या इस रेलवे स्टेशन की सुंदरता को और भी कई गुना अधिक बढ़ा देते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने पर ही हमको सामने मैया का त्रिकुटा पर्वत दिखाई देने लगता है। इसी त्रिकुटा पर्वत पर माता वैष्णो देवी विराजमान है। अंत में आप सभी को भी मैया का बुलावा शीघ्र आए और आप भी मैया के दर्शनों के लिए जा सकें। जय माता दी। वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।